के देवभोग विकास खंड के ग्राम पंचायत सचिव को किसी सरकारी मदद की जरूरत है, लेकिन आज तक कोई सुध लेने नहीं पहुंचा। पिछले 5 साल से गंभीर बीमारी के चलते खाट पकड़ लिए सचिव बाबूलाल चक्रधारी के परिवार मदद के लिए भटक रहा है। ये वही पंचायत का सिपाही है जिसे जनपद पंचायत के सीईओ विनय अग्रवाल ने मानवता को दरकिनार कर जनवरी 2017 से नो वर्क नो पेमेंट कर दिया। 17 जुलाई 2015 से बिस्तर पकड़ लिए इस सचिव का चूल्हा ससुराल के मदद से जल रहा है। वहीं पत्नी और 2 बच्चों को कभी कभी भूखे पेट भी सो जाना पड़ता है। इस गंभीर बीमारी के चलते इलाज के लिए लगने वाले मोटी रकम के चक्कर में जमीन भी बिक गई। वहीं उसकी पत्नी और बच्चों को अब भी आस है कि कोई सरकारी मदद मिल जाएगी। कब से लेते हैं और क्या कर रहे हैं और कितना दिन हो गया आपको और क्या क्या बीमारी क्या लगती है? मैं बिस्तर में 15 जुलाई 2015 से आज तक बिस्तर में लेटा हूँ। प्रारंभिक में मुझे मलेरिया हुआ था। 2-4 दिन बाद सामान्य इलाज करने के बाद हाथ पैर बिस्तर में लेट गया। उसके बाद इलाज हेतु परिवार द्वारा मुझे रायपुर बालाजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। मैंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत देवो से अनुरोध किया कि मेरी इलाज व पारिवारिक के भरण पोषण हेतु मुझे कुछ पेमेंट ट्रीटमेंट के लिए प्रदान करें, किंतु जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ये बताया गया कि नो वर्क नो पेमेंट है, आपको किसी भी हालत में पेमेंट नहीं दिया जा सकता, इस तरह से मुझे बताया गया। और आज स्थिति ये है कि ट्रीटमेंट हेतु कुछ सहयोग राशि मेरे ससुराल से प्राप्त हो रहा है, वह नहीं के बराबर है। भरण पोषण दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। भाई मेरा भाई है, बनी बनी करके भरण पोषण कर रहा है। जो भी था घर में थोड़ा बहुत खेती, उसको 3 एकड़ आसपास उसको गिरवी किया हूँ और 6-7 लाख आसपास कर्जा है मेरे ऊपर। बच्चों का पढ़ाई सरकारी स्कूल में है, भाई द्वारा कर रहा है। अभी सरकार से क्या अनुरोध करेंगे? मैं माननीय छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरी आर्थिक सहायता व उपचार हेतु कुछ सहयोग राशि प्रदान करे व मेरी जो भी पेमेंट बनता है उसको प्रदान करे, ताकि मेरे परिवार अंधकार से जाने से बचे व मेरा बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। मेरी यही आशा है छत्तीसगढ़ शासन से। ग्राम पंचायत गंगरापुर में पदस्था पंचायत बाबूलाल चक्रधारी 5 साल से बिस्तर में लेटे लेटे हैं सर, और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। आपको इस मामले में जानकारी है क्या सर, और आगे और क्या कार्रवाई करेंगे उसके परिवार के बारे में? इसके संबंध में अभी आप लोग के माध्यम से ही ज्ञात हुआ है कि पिछले 5 साल से जो है उनका स्वास्थ्य खराब है, और यहाँ से चूँकि इसके संबंध में पूरा डिटेल्स जानकारी नहीं है, फिर भी मैं अभी अपने अभिलेखों से जो है दिखवाता हूँ, और ज़्यादा होगा तो हम जो है स्वयं भी जाएंगे उनके पास कि क्या परिस्थिति है, और जो भी परिस्थिति जो होगा यथोसंबंध जो शासन के जो नियम अनुसार उसको जो राहत दे सकते हैं वो निश्चित रूप से हमारे तरफ से जो है उनकी राहत जो है वो शासन के नियम अनुसार उसको करेंगे। मेरे पति 2015 से बीमार है। खटिया में? जी खटिया में। वेतन वेतन नहीं मिल रहा है, मतलब घर में सास ससुर मेरे देवर हैं तो उन लोग करते हैं भरण पोषण। जी आपके पति जब पंचायत पति तब तक तो वेतन मिलता था?
जी, तब तक परिवार ठीक चलता था, लेकिन जब से इनका बीमार है तब से ना हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है जी। सरकार से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं मेरे पति का जो पेमेंट मिलता था वो मिले, ऐसी मैं आशा करती हूँ सरकार से। अभी बहुत हम लोग की बहुत परेशानी हो रही है, कर्जा वर्जा भी 6-7 लाख का है, फिर खेत वेत भी गिरवी कर दिए हैं। आप लोगों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है मुझे, और जैसा जानकारी प्राप्त हुआ है हम लोग नियम के अनुसार जो भी कार्य करना है उसके लिए जो भी हमसे मदद बनेगा वो हम करेंगे। साथ में हम जनपद के सीओ से भी चर्चा करेंगे कि किस वजह से 5 साल से वो नौकरी पे नहीं आ रहा है, या उसकी सैलरी नहीं बन रही है, या उसकी परिस्थिति इस प्रकार से खराब क्यों हुई है, क्या कारण है, उसकी फाइल को निकालेंगे और हम देखेंगे कि किस वजह से वो इतनी परेशानी में है।